गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक स्पेशल केस लेकर आए हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी। बट केस स्टडी ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक कैविटी है, और ये कैविटी की स्पेशलिटी ये है कि ये नॉन कंसेंट्रिक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसका सेंटर और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। हमारे केस में ये कैविटी सरफेस को टच कर रही है और हमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी रीजन और नेचर डिस्कस करना है इसका। तो स्टूडेंट, इसमें हम एक कंसीडरेशन ले रहे हैं कि हम यहाँ पर इस स्पेस को एक कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं और जो कैविटी रीजन है उस पे हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हैं, बस अपोजिट नेचर के। इससे क्या होगा कि जो कैविटी रीजन है उस पे रिजल्टेंट चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्फेरिकल के कारण पॉजिटिव एंड सेम चार्ज हम नेगेटिव चार्ज हम कैविटी स्पेस पे रखेंगे तो ये स्पेस न्यूट्रल है एज हमारी प्रॉब्लम में दिया गया है। फिर हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर पॉइंट्स में लीनियर और बाहर की तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोलॉइड से डिक्रीज करता है एंड इट इज मैक्सिमम एट सरफेस। हमने दोनों के कारण एक एंड पॉइंट कंसीडर किया है और दोनों एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इनका रिजल्टेंट फील्ड एंड पॉइंट पे कंसीडर किया। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे हमने देखा कि जो रिजल्टेंट है वो अलोंग ओपी है। तो इससे हमको ये पता लगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन वो भी कांस्टेंट है, यानी कि कैविटी इनर स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ कैविटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है एंड इट इज केवल एक पॉइंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है कैविटी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सेंटर। तो ये इसके कंक्लूजन्स हैं और इस तरह से हमने इसको डिफाइन करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस।